लोगों को चित्रकला के अंतर्गत ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय पार्ट 3 यानी कि अध्याय 3 चल रहा है त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंतर्गत निर्मी नंबर 1 से 8 तक हो गया था, आज ये निर्मी नंबर 9 है। निर्मी नंबर 9 में एक ऐसे समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिस त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है और हालांकि इतना सरल भी नहीं है। ऐसा त्रिभुज बनाना जिसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किसी भी माप की रेखा खींचेंगे। ये हमने रेखा ली, कोई भी रेखा, KL रेखा। इस KL रेखा पर लंब डाला O बिंदु, इस तरह से। इस लंब पर O बिंदु से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी का चाप लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में इस यहाँ पर डाल लेना सी बिंदु। सी बिंदु से KL रेखा के समानांतर रेखा खींचिए, इस तरह से। इसके बाद में सी बिंदु पर एक कोई छोटी सी दूरी लेकर के नीचे की ओर अर्धवृत्त चाप लगा लेना। इस अर्धवृत्त चाप लगाने के बाद में यहाँ पर प्रकार रख करके इधर की ओर चाप लगाना, तो ये कितने का कट लगेगा, 60 अंश का। सी बिंदु से इधर की ओर चाप लगा लेना, ये कितने का लगेगा, 60 का। ये बीच में कितना होगा, 60। सी को और 60 अंश के कट को मिलाते हुए नीचे की ओर रेखा खींच लेना। सी को और इस 60 अंश के कट को मिलाते हुए नीचे की ओर रेखा खींच लेना। जहाँ ये रेखा नीचे आधार पर जाकर के मिले, यहाँ पर डाल लेना A और यहाँ पर डाल लेना B। ये जो हमारा त्रिभुज बना ABC, ये ऐसा त्रिभुज हो जाएगा जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए अब देखिए यहाँ पर निर्मी नंबर 10। निर्मी नंबर 10 में ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और जिसका शीर्ष कोण यानी कि ऊपर शिखर कोण दिया गया है 50 अंश का। देखिए ऐसे इसे कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमने सबसे पहले किसी भी माप की रेखा खींची, KL रेखा। इसमें एक मध्य बिंदु लिया O, O बिंदु पर लंब डाला जैसा भी निर्मी नंबर 9 में डाला था और इस लंब पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के O बिंदु से ऊपर की ओर चाप लगाया, वहां पर डाल देना सी बिंदु 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिभुज बनना है उसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए हमने कट लगाया और KL रेखा के समानांतर रेखा खींची जैसे कि निर्मी नंबर 9 में खींची थी, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर जो है ऐसा उल्टा चादर रख लेना नीचे की ओर गुलाई हो और यहाँ से गिनना 10, 20, 30, 40, इधर से भी नंबर, दोनों साइड नंबर होते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर बीच में देखना, बीच में डाला होता है 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश से इधर की ओर 10, 20, 25, जहाँ 25 का बिंदु आए तो सी को 25 अंश के बिंदु को मिलाते हुए नीचे की ओर देखकर खींचिए। ये कोण यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 25 अंश। इसी तरह 90 अंश से फिर इधर गिनना 10, 20, 25, जहाँ 25 अंश का बिंदु आए सी को और उस 25 अंश के बिंदु को मिलाते हुए नीचे की ओर रेखा खींच लेना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अंश। इस तरह से यहाँ पर नीचे रेखा मिली, यहाँ पर डाल लेना B और यहाँ पर डाल लेना AB। ये जो त्रिभुज हमारा बना ABC, ये ऐसा त्रिभुज हो जाएगा जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो शीर्ष कोण है वो 25 और 25 दूना 50 अंश हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निर्मी नंबर 11। निर्मी नंबर 11 थोड़ा हल्का सा कठिन है। इसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, ऐसा त्रिभुज जिसका आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर लेकिन इसकी ऊंचाई और एक भुजा का एक दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची, 4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। इस ए बी रेखा का अर्धक किया,
यहाँ पर लंब डाला वो बिंदु, वो को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का हमने कट लगाया, 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर डाला के बिंदु। इसके बाद में के को सीधा ए से मिला दो, इसके बाद में ए से दूरी ले, ए बिंदु से इधर की वो चाप लगाए, के से इन दोनों कटों को मिलाते हमने रेखा खींची जहाँ ये रेखा लंब को काटेगी सी बिंदु, सी को ए से मिला दिया और सी को बी से मिला दिया। इस तरह से ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जिसकी ऊंचाई और एक भुजा का ए हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पर निर्मी नंबर 12, निर्मी नंबर 12 जो है थोड़ा और कठिन है। इसमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका शीर्ष कोण दिया गया है 120 अंश का और एक भुजा और उसकी ऊंचाई का जो है ईओ, जैसे कि निर्मी नंबर 11 में दिया गया था, इसमें दिया गया है 5.3 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। में हमने सबसे पहले किसी भी माप की रेखा खींची, इस रेखा पर एक बिंदु लिया के बिंदु, के बिंदु पर लंब डाला, इस लंब पर के बिंदु से हमने एक दूरी ली 5.3 सेंटीमीटर की, क्योंकि जिसमें ऊंचाई और एक भुजा का योग दिया गया है तो 5.3 सेंटीमीटर का हमने कट लगा दिया है। यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल दिया एल बिंदु। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो शीर्ष कोण बनना है वो बनना है 120 अंश का। यहाँ पर एक नियम होता है 120 बटे 4 का मतलब हुआ 4 × 12 = 30 अंश। तो यहाँ पर हम L बिंदु पर एक किसी भी दूरी लेकर के इस तरह से चाप लगाएंगे, इसके बाद में यहाँ से कट लगाएंगे तो कितने का लगता है 60 अंश का लगता है। यहाँ से हमने चाप लगाया, यहाँ से इसे काट दिया, यानी कि हमने 60 अंश का आधा कर दिया तो कितना हो गया 30 अंश। L को और इस कट को मिलाते हुए रेखा खींचे, ये रेखा जहाँ जाकर के नीचे आधार पर मिली यहाँ पर डाल लेना ए बिंदु, ए बिंदु से इस रेखा के दोनों ओर चाप लगाया, एल बिंदु से इन चापों को काट दिया। इन दोनों चापों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा हमारी इस लंब को काटेगी सी बिंदु पर, सी को सीधा ए से मिला दो, इसके बाद में सी और ए की दूरी लेकर के सी बिंदु से इधर की ओर चाप लगा दो इस तरह से, और इसे भी मिला दो और यहाँ पर डाल देना बी बिंदु और बी को इसे मिला दो। इस तरह से हमारा त्रिभुज बन जाता है ए बी सी, जिसकी ऊंचाई और एक भुजा का योग हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर और ये जो हमारा शीर्ष कोण है वो हो जाएगा 120 अंश। इस तरह से बच्चों ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड मॉर्निंग।